हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो बड़े कास्टिंग गियर होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है। बेसिकली जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये मास प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हम और ना ही हमें करना चाहिए। ये है कि मान लो एक गियर बनाना है, दो गियर बनाना है और हर बार गियर का जो साइज़ है हमारा या नंबर ऑफ टीथ है या डाया है वो चेंज अगर होता रहता है तो उसके लिए ये सेटअप है। तो ये जो सेटअप है उसके लिए बिल्कुल बेस्ट सेटअप है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जब हम कोई भी गियर बड़ा गियर कास्टिंग के थ्रू बनाते हैं तो हम सबसे पहले पैटर्न बनाते हैं, जैसे सैंड पैटर्न। जैसा कि अगर किसी ने आईटीआई पॉलिटेक्निक या डिग्री इंजीनियरिंग पढ़ी है मैकेनिकल से, तो हमने कॉलेज के समय भी बनाया था कि भाई सैंड लेते हैं और इस कास्टिंग के लिए पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैटर्न तैयार करते हैं। पैटर्न तैयार करने के बाद मतलब उसमें अंदर जैसा पैटर्न करने के भी कई सारे तरीके हैं। कुछ फॉर्म से मतलब थर्माकोल से बनाते हैं, कुछ लोग पैटर्न लकड़ी का बना के उसे इंजेक्ट कर लेते हैं, या जैसा कि इस वीडियो में किया है कि वो खाली रखा गया है, अंदर से उसने कर्व कर्व बनाए हैं। तो इस तरह से कई सारे तरीके हैं पेटेंट बनाने के। जैसा कि देखो ये लकड़ी का पेटेंट था और साइड में लोहे के स्ट्रिप लगाए गए हैं, वो भी हमने जैसा कि देखो हम देख पा रहे हैं। और फिर पेटेंट बनाने के बाद पेटेंट जैसे बीच में भी हमें होलो चाहिए तो ऑफकोर्स हमें कम लोहा रखना पड़े तो हम बीच में पहले ही होलो कर लेते हैं। तो जब हमारा वो पेटेंट पूरा तैयार हो जाता है, और जब पेटेंट तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो उसका मेटल, जिस मेटल का भी हमें बनाना है, लोहे का बनाना है, एल्युमिनियम का बनाना है ना, ब्रास का बनाना है, वो मेटल को हम मेल्ट करते हैं। हर मेटल का टेम्परेचर, मेटलिंग जो मेटल का मेल्ट टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। तो जब वो मेटल जो हमारा है जिसका हमें डेवलप करना है वो जब मेल्ट हो जाएगा उसको हम देखिए, ये बहुत बड़ा गियर बना रहे हैं हम, मतलब अगर जो हम मैं समझ पा रहा हूँ लगभग एक मीटर का गियर है। तो जो हमने पेटेंट बनाया होता है उसमें हम इसको ढलाई मतलब उस साँचे में हम डाल देते हैं, और ये डालने के बाद, और ये देखिए बहुत अनसेफ काम होता है, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी जैसे ठीक है इतना मेगा तो नहीं है लेकिन इसमें बहुत बड़ा भी गियर बना सकते हैं, 2 मीटर 4 मीटर का, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इस तरह के गियर बनाए जाते हैं। फिर इसको क्या किया जाता है कि जब उसमें हम मेटल डाल देते हैं तो इसको ठंडा किया जाता है, 5-6 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, और फिर वो जो हम पूरा ऊपर निकाल लेते हैं सैंड को, फिर हटाया जाता है, मतलब इसकी प्रॉपर सफाई की जाती है, और इसको ठंडा होने में ही 8-10 घंटे लग जाते हैं। तो जब ये हमारा अभी रफ गियर जो है मतलब मोल्ड हमारा तैयार हो गया है, अब हमें इस पे दांतों पे और इसके आईडी में हमें इसको मशीनिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आईडी में मशीनिंग करते हैं। तो मशीनिंग के लिए बेसिक अरेंजमेंट हम तैयार कर सकते हैं जिस तरह की हमारे पास मशीनें हैं या जिस तरह का अरेंजमेंट है हम वैसा हम कर सकते हैं। तो अभी इनसाइड में बोर करने के बाद जो हमें साइज़ का बोर करना है, मतलब 300 mm 400 mm जो भी हमें साफ्ट रखनी है, बोर फिनिश करने के बाद अभी जो हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारे गियर हैं उसके साइड में हमें सेपर के मदद से थोड़ा कट लगाना पड़ता है, यानी फिनिशिंग वहाँ पे भी हमें देनी है। तो ये हम जब उसको लोड करते हैं उसमें हम फिनिशिंग देंगे, जैसे कि अब देखो मशीन देख पा रहे हैं आप, ये सेपर मशीन है, हर जगह हम 1-1 mm का कट काट रहे हैं। तो जब कटिंग हो जाती है मतलब सारे दांतों पे हम सेपर कर लेते हैं, और इसी तरह से हमारा जो गियर है वो तैयार होता है। तो जो मेगा प्रोडक्शन है मतलब जहाँ पे बैच मतलब हर बार गियर चेंज हो रहा है, तो वहाँ यही तरीका है कि जिस तरीके से हम प्रोडक्शन मतलब गियर बना सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ मान लो यही गियर 20,000 बन रहा होता तो फिर ये तरीका नहीं होता, फिर कोई और तरीका सोचा जाता
गियर बनाने का, फिर इस तरीके से नहीं सोचते हम। तो ये तरीका है जब क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं, सिप होती है, बहुत कम क्वांटिटी होती है, तो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये तरीका हम एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर ये गियर बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए। जो ये मैन्युफैक्चरिंग वीडियो हमने ली है, ये हमने खुद शूट नहीं किए, ये हमने कहीं से ली है। तो जिसने भी ये वीडियो बनाई है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि लोगों को इस तरह की जानकारी जो मिलती है तो लोग इंक्रेज होते हैं और समझते हैं कि किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।